सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। सबसे पहले आप सबको कहूंगा राम राम। आज हम गाने पे रिएक्शन करना चाह रहे हैं अपने फेवरेट हरियाणा के गाने के ऊपर मम्मी, और ये गाना बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये गाना जिन्होंने लिखा है और इसमें जिन्होंने रैप करा है, उन दो शख्स का नाम है अकी आर्यन और केडी भाई, और गाने का नाम है पूरन विराम, जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना होने वाला है। मैंने ये गाना सुना हुआ है। मम्मी आपने सुना है गाना? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप जब सुनोगे तो मुझे लगता है आप कहोगे कि आपने सुना हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये गाना किसी ने सुना हो या ना सुना हो। आपने मेरे ही फोन में कभी ना कभी सुना होगा ये गाना। जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। ये रिक्वेस्ट करी थी किसी ने और बहुत जबरदस्त रिक्वेस्ट है, और मैं मतलब चाहता हूँ इस गाने पर रिएक्शन करना, बहुत बेहतरीन होने वाला है। पूर्ण विराम का मतलब क्या हुआ? शुरू से लेके आखिरी कोशिश, आखिरी शब्द, मतलब दुनिया की आखिरी सांस, मतलब आखिरी छोरा, आखिरी उम्मीद। तो बहुत जबरदस्त गाने होने वाला है। गाने का टाइटल है मेरा माँ मेरी सब, मेरी माँ मेरा रब। तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं पहले गाना देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस गाने पे रिव्यू करूंगा। और मैं क्या रिव्यू करूंगा, बहुत जबरदस्त होने वाला है यार। जहां माँ का नाम जुड़ जाए वहां तो सब लाजवाब हो जाता है। तो मैं पहले गाने पे रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी पहले गाने पे रिएक्शन करना चाहूंगी, क्योंकि गाने का नाम ही इतना अच्छा है, माँ मेरा सब और माँ मेरी रब। तो फिर माँ से बढ़कर तो कोई चीज है ही नहीं है। भगवान से भी पहले लोग माँ का ही नाम लेते हैं, तो पहले हम माँ का नाम लेते हैं, बाद में हम बात करते हैं। तो यार सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आपको बता देता हूँ यार, हमारे 20 के सब्सक्राइबर फटाफट करा दो। हम चाहते हैं हम इससे भी आगे जाएं, उसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए दबा के सब्सक्राइब कर दो और दबा के लाइक कर दो, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा दो। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन दो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना, वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करें। चलो जी लेट्स गो। रामू काका, चलेंगे इसके एक महीने, और आप माँ को मत बताना, अभी माँ को ना सरप्राइज देंगे, नया गाना बना, नया गाना बना के। पर बेटा, पर क्या काका? पर माँ तो क्या रामू काका? ओ पूर्ण विराम। जो खुले तो तेरा नाम, क्या बात है, क्या बात है, सुने। पहला तेरी याद फिर राम आवे, गाना सुना देखा नहीं। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे, मन ने बेरा तन मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी किते ते तेरे काम आवे। तू ना जो कवे ते मेरी नास है, हाँ जो कवे ते मेरी हास है, जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता, वा और कोई को ना मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गांव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जावे पूर्ण विराम। बहुत बढ़िया। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गांव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे जावेगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गांव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। धरती पे दुनिया दिखाई तन्ने, तेरे दिए चाले मेरी सांस माँ, गोदी में सुलाया तन्ने, कालज कलाया तन्ने, याद से ये सारे एहसास माँ, होत खड़े तेरे एहसास।
इंसान से मेरे ताई तू भगवान से और के जुमन कोई जान ना बनाए माँ कल तू है बस मेरी जान से हो पूजे मुहूर्त पत्थर किया दुनिया क्यों परेशान रवे मैं क्यों मंदिर मस्जिद जाऊं घर में मेरे भगवान रवे घर में मेरे भगवान रवे घूम लियो सारे जहान में पढ़ लियो गीता कुरान में माँ का जो केडी ने बताया किरदार वाए सेम बात अल्लाह भगवान में क्या बात है कहता अल्लाह और भगवान में सेम है जब पहली बार बोलन की करी शुरुआत मन्ने देखे चला के जुबान और दांत मन्ने नन्हे से होठ मेरे बोले थे माँ माँ के अलावा न करी कोई बात मन्ने क्या बात है मन्ने आज भी वो गोदी का पालना धरती तक ऊपर जो पंछी का आलना तेरे ते सिखा से जीन का तरीका माँ तन्ने सिखाया था बोलना और चालना क्या बात है अच्छा ही है फिर तले चाल मन्ने फिर वाय दुनिया दिखा दे न माँ कई साल तक बेचैन सु मैं सोया ना सुकून ते काळजी के लाके सुआ दे न माँ रिगा दे न माँ मैं मिठी सी लोरी तू सुना वे कहानी कई साल तक लकोरी तू बोल मेरी गेला माँ फोटो ते बारा के मेरी किसे बात ते नाराज तो नहीं हो रही मेरी किसे बात ते नाराज तो नहीं हो रही मेरी माँ मेरा क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया मेरी माँ मेरा शहर मेरी माँ मेरा गाँव शुरुआत मेरे शब्द की माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा मेरा शहर मेरी माँ मेरा गाँव माते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की माँ पे क्या बात है बहुत ही बेहतरीन बहुत बढ़िया है मैं सबसे पहले तो मैं केडी भाई का और उसकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना प्यारा गाना लिखा इतना प्यारा गाना गाया अकी आर्यन ने गाना गाया और लिखा इतना प्यारा है कि मैं कुछ वर्ड बोल नहीं सकती माँ जो बच्चों को प्यार करती है ना ये माँ का कर्तव्य है और माँ को बच्चों को प्यार करना भी चाहिए तभी बच्चे प्यार करना सीखते हैं और जब बच्चे माँ को प्यार करते हैं ये तो सवाब सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि होता ऐसा है कि माँ तो बच्चों को बहुत प्यार करती है पर बच्चे बड़े होते हैं तो माँ को भूल जाती हैं पर जब बच्चे माँ को प्यार करते हैं तो ये तो बहुत ही चमत्कारी बात होती है और मैं इस बात को ये कहूँगी कि माँ मर गई थी बिल्कुल अगले लोक में चली गई थी पर बच्चों ने उसको इतना प्यार करा और उसकी बातें याद करी कि माँ हमें तुमने पढ़ना सिखाया हमें लिखना सिखाया हमें बोलना सिखाया हमें तुमने ये सिखाया और तेरे को हमारी कोई बात गलत तो नहीं लग रही कि जो तू फ्रेम में से बाहर निकल के हमारे पास आ और माँ जिंदा हो गई वाह क्या बात है बच्चों का प्यार इतना पावन प्यार इतना पवित्र प्यार और इतना दिल से लगाया हुआ प्यार था कि माँ को वहां से वापस आना पड़ा यमराज को भी माँ को भेजना पड़ा कि तेरे बच्चे तेरे बिना नहीं रह सकते और तू नीचे जा और वो माँ जो है मरते मरते भी जिंदा हो गई क्या बात है मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छा माँ का नहीं वो बेटों का ही गाना होना चाहिए कि बेटों ने माँ को इतना प्यार करा कि माँ का फर्ज तो है ही बेटों को प्यार करने का बेटे हो या बेटी हो कोई भी हो बच्चों को प्यार करने का माँ का फर्ज है अगर बच्चे माँ को प्यार करें बाप को प्यार करें तो क्या बात है जन्नत तो यही है वो माँ तो कभी मरना ही नहीं चाहेगी वो माँ ये चाहेगी कि भगवान मुझे इतनी लंबी उम्र दे कि मैं अपने बच्चों को बुढ़ापा तक अपने बच्चों का साथ दूँ मुझे बहुत अच्छा गाना लगा इतना ज़बरदस्त गाना लगा और मैं पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये गाना मुझे लिखना और पढ़ना और सुनाया और मैंने देखा है और मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरी आंखों में से आंसू आए बिना रह नहीं सकती क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं कभी मरूं क्योंकि मैं अपने बच्चों के सर के ऊपर हमेशा रहना चाहती हूं पर ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि चलो अच्छी बात है कुछ नहीं होता हाँ। मम्मी अब देखो मरना जीना बात की बात होती है
आपको हमारी भी उम्र लग गया था, कुछ भी नहीं वाली बात नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, मम्मी उसमें रो पड़ी थी, मुखुंदा का मैंने कहा मम्मी ये नहीं डालूंगा मैं, आप पहले रो लो उसके बाद डालूंगा। तो मैं बड़ा अभी वीडियो देखते देखते मैं मम्मी की शक्ल देख रहा था और मम्मी हंस रही थी मेरे को देख के कि मैं रोऊंगी तो ये डांटेगा, क्योंकि यार कोई भी नहीं चाहता कि उसकी माँ उसके सामने रोए, तो मम्मी रोती है तो बुरा लगता है। बट गाना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, और जो भी गाना माँ से स्टार्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो वही वाली बात है जो हमने पहले भी बताई थी कि माँ और बाप में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, माँ पालती है पेट में और बाप पालता दिमाग में। बहुत सुंदर है, और देखो क्या मम्मी कह रही है ना कि माँ का कर्तव्य है बच्चों को प्यार देना, ऐसा नहीं होता। अगर माँ बाप ने अगर आपको प्यार दिया है तो बच्चे भी आपको प्यार देंगे, जब माँ बाप ने ही आपको प्यार नहीं दिया तो बच्चे आपको प्यार कहाँ से देंगे। तो अगर आज हम मम्मी पापा से इतना प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं, हम तो भगवान से भी पहले इनको पूछते हैं। मेरे में ये आदत है, मैं करता हूँ ऐसे, और आप लोगों को भी करना चाहिए। मिट्टी को पूजो, आप जिस मर्जी को पूजो, पर घर में जो आपके एक्चुअल भगवान अगर आप उनको पूजोगे ना तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये गाना, बहुत बेहतरीन लगा। अखिल भाई के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त गाना गाया, और केडी भाई बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूंगी कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त गाना लगा। तो आई होप गाइज आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन इतना सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आई। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताया गाना रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।